एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का हमने क्या चीज फाइंड करनी है? कॉन्जुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी साइन के, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी वैल्यूज हों तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, जिसमें हमारे पास i वाली फॉर्म आ जाए वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। ठीक है, अब देखें, अब अगर हम जूज नंबर 1 की बात करें तो 2 प्लस 3 आयोटा, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास एक वैल्यू है। फर्ज किया 2 प्लस 3 आयोटा हमने किसके इक्वल कर दिया? z के। जब हमने इस वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लिया तो हम क्या करेंगे? z के ऊपर एक बार लगा देंगे। z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? सिर्फ कॉन्जुगेट में आपने क्या करना है? इमेजिनरी के साइन, जो साइन चेंज, जो इमेजिनरी के साथ जो साइन है सिर्फ उसको चेंज करना है, आई के साथ जो साइन है सिर्फ उसको चेंज करना है। जब भी आपने किसी भी वैल्यू का कंजुगेट लेना है तो आई के साथ जो साइन है सिर्फ उसको चेंज करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 आयोटा, सिंपल। ठीक है, आई के साथ जो साइन है सिर्फ आपने उसको चेंज करना है। यहां पे भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट फर्ज किया z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा, जब हम इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा? z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी का साइन आपने चेंज करना है, ना कि रियल नंबर का आपने चेंज करना है। अब यहां पे देखें, यहां पे है सिर्फ माइनस आयोटा। ठीक है, सबसे पहले हम लेट करते हैं z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा, 0 अपनी तरफ से लगा लेते हैं, 0 इज अ रियल नंबर, माइनस आयोटा, जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा? 0 प्लस आयोटा, सिर्फ इमेजिनरी का साइन आपने चेंज करना है। यहां पे भी अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट माइनस 3 प्लस 4 आयोटा को हम वैल्यू देते हैं z, z का कंजुगेट क्या आ जाएगा? माइनस 3, माइनस 3 को आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी का साइन आपने चेंज करना है, तो इधर क्या आ जाएगा? 4 आयोटा। अब यहां पे भी हम लेट करते हैं z इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस आयोटा, सिर्फ आपने इमेजिनरी का साइन चेंज करना है, माइनस 4 प्लस आयोटा। लास्ट वाले पार्ट को देखते हैं, लास्ट वाले पार्ट में लेट z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 3, मैंने क्या बोला कि आपने सिर्फ किसके साइन को चेंज करना है? इमेजिनरी के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा माइनस 3। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई फॉर्म जिसमें आयोटा आ जाए, कोई इक्वेशन जिसमें आयोटा आ जाए, तो वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाती है? वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। ये हमारे पास सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। हमने क्या फाइंड करना है? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये जो सेकेंड वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास इमेजिनरी होती है, ख्याली, और ये जो हमारे पास रियल होते हैं यानी कि हकीकी। अब हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर क्या हो गया? 1, और इमेजिनरी नंबर्स क्या हो गया हमारे पास? 1। आयोटा नहीं लिखना, सिर्फ आयोटा के साथ जो उसका कॉन्स्टेंट है वो लिखते हैं। ठीक है, अब देखें सेकेंड वाले की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड वाले में सबसे पहले लेट करते हैं z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमारे पास रियल नंबर क्या होगा? माइनस 1। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आयोटा साथ नहीं आएगा, सिर्फ उसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि उसका कॉन्स्टेंट आएगा बस, और इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास क्या हो गया? 2। अब थर्ड वाले की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाला हमारे पास क्या है? लेट z इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा प्लस 2। रियल नंबर हमारे पास क्या होता है? ये 2 होगा, और इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास क्या होगा? माइनस 3। फोर वाले की तरफ मूव करते हैं। फोर वाला हमारे पास क्या है? लेट किया z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 आयोटा। रियल नंबर हमारे पास क्या हो गया? माइनस 2, और इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? वो भी 2। आप देखें फिफ्थ वाले की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ वाले को सबसे पहले हम लेट करते हैं z इज इक्वल टू, आप देखें अब यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट गिवन नहीं है, तो रियल पार्ट हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं 0 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास इसका रियल नंबर क्या हो गया? 0, और हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या हो गया? माइनस 3। लास्ट की बात करते हैं, 2 प्लस 0 आयोटा, अगर हम देखें सबसे पहले इसको लेट करते हैं z इज इक्वल टू 2 प्लस 0 आयोटा, 2 प्लस 0 आयोटा, इसमें हमारे पास रियल नंबर क्या आ जाएगा? 2,
और हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या आ जाएगा, जीरो। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर थ्री। एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, अगर हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री आयोटा हो। ठीक है, हमने क्या चीज फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है एक्स की वैल्यू और हमने फाइंड करना है वाई की वैल्यू। हमने दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं अगर देखूं आयोटा और आयोटा वाली टर्म को लूं, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, हम कहते हैं इक्वेशन अगर बनाए आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री आयोटा, इसको हम इक्वेशन वन कह देते हैं। ठीक है, अब बाकी जो रह गया है उसकी इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर, इसको हम इक्वेशन टू बना लेते हैं। ठीक है, अब आयोटा वन सोल्व करें, अगर हम सोल्व इक्वेशन आयोटा तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री आयोटा। आयोटा वाई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड माइनस थ्री आयोटा ओवर आयोटा। ठीक है, आयोटा आयोटा से कैंसिल, वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस थ्री। अगर हम इसी तरह सोल्व करते हैं, सोल्व इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर, एक्स इधर प्लस वन है इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके क्या शिफ्ट हो जाएगा, माइनस वन, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, फोर माइनस वन इज थ्री। ओहो, यहाँ पे आ गई हमारे पास थ्री। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फोर और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गई 2.5। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है। इसके अलावा अगर आपको हमारी मैथ्स की सारी वीडियो चाहिए तो हमारी वेबसाइट mathskidunia.com को लाजमी विजिट कीजिएगा। इसके अलावा अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।